अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार कैसे हो आप सब? मैंने आप सबसे बोला था कि यार 1K के जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैंने आप सबके लिए एक वीडियो लेके आनी है जो कि साइकिल की व्हीलिंग टिप्स के बारे में होगी। मतलब आपको पर वीडियो नहीं बना सका था, टाइम नहीं था, तो आज मेरे पास जरा टाइम निकला तो मैंने कहा यार एक वीडियो बना दी जाए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार ये जो हम लोग साइकिल में व्हीलिंग करते हैं उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और हम लोग किस तरह व्हीलिंग उठाते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल शुरू से मैं आपको सारा सिखाऊंगा, बिल्कुल बिगनर लेवल से सिखाऊंगा। तो और भी आगे और भी वीडियो में सारी चीजें सिखाऊंगा किस तरह वो गोटा मारते हैं, व्हीलिंग करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आखिर में इस वीडियो के एक गोल्डन टिप भी दूंगा, उसको भी आपने लाजमी सुनना है। तो आइए देखते हैं किस तरह होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज होती है ब्रेक। आप इधर आके जरा इनको दिखाएं कि ब्रेक होनी चाहिए बिल्कुल टाइट, क्योंकि जब व्हीलिंग करते हैं तो उसमें प्रेशर काफी ज्यादा आता है। अगर ब्रेक लूज होगी तो पीछे गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ब्रेक बिल्कुल ये इसकी टच पे है। और पीछे अगर गियर दिखाए जाए तो यहाँ पे गियर बिल्कुल रखे हुए सबसे लो वाले गियर पे, ताकि साइकिल के जो पैडल है वो बिल्कुल नरम हो, ताकि व्हीलिंग करते हुए टांगों को जोर बिल्कुल भी ना पड़े। और दूसरा ये है कि लेंथ लंबी जाएगी इस तरह। अगर भारी गियरों पर रखेंगे तो इतनी लंबी लेंथ नहीं जाएगी। तो जो शुरू शुरू में भी ट्राई कर रहे हैं वो इसी छोटे गियर पर सबसे पहले ट्राई करें, तो वो जल्दी सीख जाएंगे व्हीलिंग। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो व्हीलिंग का स्टेप है उसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी ब्रेकिंग पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा अहम जरूरत होती है व्हीलिंग के टाइम पे। समझ गया। मैं भी आपको थोड़ी सी व्हीलिंग करके भी दिखाता हूँ। और आपने शुरू में बिल्कुल ये कोशिश नहीं करनी कि आप पूरी पूरी रोड की लेंथ निकालो। मालूम है तेरे बाप को। आपने जस्ट 2-3 स्टेप्स की व्हीलिंग करनी है और साइकिल को नीचे रख देना है और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद सीख जाएंगे। लेकिन आपने शुरू में 2-3 स्टेप्स करने हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ आपने किस तरह करने हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा जी, जो आपको मैंने अभी ये व्हीलिंग करके दिखाई है, आपको सारा कुछ दिखाया है किस तरह ब्रेकिंग करनी है। इसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा ज़ोर से भी ब्रेक नहीं मारनी, उससे ये होगा आपका रिम भी डैमेज होगा और इतना फ़ायदा नहीं है। बस आपने ब्रेक को टच करना है। लंबी लेंथ के लिए भी होता है, सिर्फ ब्रेक को टच करते हैं। ये भी मैं आगे एक वीडियो लगा रहा हूँ, आप उसको लाजमी देखें। अच्छा, तो ये अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, इस वीडियो में आपको मैंने दिखाया है किस तरह मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेकिंग करनी है, निकल ना ज्यादा जोर से करनी है ना ज्यादा हल्की करनी है, बस नॉर्मल टच करना है। जब आपको लगे कि साइकिल पीछे की तरफ जा रही है तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और एक भाई जो शुरू में व्हीलिंग करते हैं ये गलती करते हैं कि वो साइकिल चलाते हैं तो इतनी स्पीड में पैडल मारने शुरू कर देते हैं कि वो साइकिल कंट्रोल से बाहर हो जाती है और साइकिल नीचे गिर जाती है या वो पीछे खुद गिर जाते हैं। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल नहीं करना। जैसी साइकिल तेज होने लगे तो तेज हल्की ब्रेक मारेंगे तो साइकिल नॉर्मल हो जाएगी और पैडल को आहिस्ता कर देंगे। समझ रहे हो। अच्छा, एक और स्टेप जो है वो बड़ा अहम स्टेप है। इस स्टेप में ये करना होता है, जब व्हीलिंग करते हैं ना तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। उस तरह व्हीलिंग का क्या होता है, उसमें ज्यादा लेंथ निकलेगी नहीं, व्हीलिंग हो जाएगी लेकिन लेंथ ज्यादा नहीं निकलेगी। तो अगर आपको लंबी लेंथ निकालनी है तो आपको अपना एल्बो को थोड़ा सा ना कर्व रखना पड़ेगा। बहुत तेज हो रहा है। अभी मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाता हूँ कि जो रॉन्ग तरीका भी क्या है इसका और राइट तरीका भी क्या है, तो आप वो देख। अच्छा, अच्छा, तो जी फाइनल स्टेप जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने कहा था गोल्डन ट्रिक है, वो ये है कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है स्लोप वाली रोड। इसका ये मतलब है कि चढ़ाई पर अगर आप व्हीलिंग करेंगे ना तो आपकी व्हीलिंग में मतलब आपके गिरने के चांसेस बहुत कम है और लंबी लेंथ जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, कि आराम से साइकिल आपकी एक बैलेंस में रहेगी और सीधी सीधी जाएगी। अगर आप स्ट्रेट रोड पर करेंगे तो इतनी अच्छी बैलेंस नहीं बनेगा। तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जब भी व्हीलिंग करें, जब भी सीखें, तो इसको बिल्कुल स्लोप वाली रोड पर सीखें।
अच्छा जी, तो ये कुछ ट्रिक्स थी BMX की। तो अगर आपको इसी तरह की और मजीद वीडियोस चाहिए, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जोन सी भी ट्रिक आपको पसंद है आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बना के भी दिखाऊंगा। और ये है कि कोई अगर ट्रिक मुझसे रह गई हो तो आप वो भी बताएं, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है ये वीडियो भी कैसी बनी है और नेक्स्ट वीडियो किस पर आपको चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।